हरियाणा में चुनाव की तारीख पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था और ये कहा था कि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। उन्होंने कहा था कि चुनाव समय पर ही होने चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि बीजेपी चुनाव को टालना चाहती है और अनिल विज ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी। इसका मतलब वो चुनाव को टालना चाहते हैं और अपनी हार मान चुके हैं। चुनाव समय पर जो है, हमने धन्यवाद दिया था इनका, चुनाव आयोग का, क्योंकि लोग एक दिन भी सरकार को नहीं रखना चाहते हैं। ये क्यों डालना चाहते हैं, समझ से बाहर है हमारे को। चुनाव समय पर होने चाहिए। है कि ये जो डेट घोषित की गई है, इसमें अगर एक छुट्टी ले लो तो 5 छुट्टियां हो जाती हैं। इससे ऐसा डर बना रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और मत प्रतिशत की जो संख्या है वो गिर जाती है। इस पर कांग्रेस ने आज प्रतिक्रिया दी है, परंतु हम केवल आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। आप पीछे कर दो, आप 2-3 दिन पीछे कर दो, ताकि ये 5 दिन का चंक ना बने, 5 दिन की छुट्टियां ना लेके जा सके। अब 4-5 दिन पीछे कर दो, हम तो तैयार है, हम तो कल करा दो, मेरी पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए।